दिस इज मोस्टली सेन। ये एक समय पे इंडिया के सबसे पॉपुलर फीमेल यूट्यूबर्स में से एक थी एंड इनके वीडियोस को मिलियंस में व्यूज मिलते थे। जब भी इनके कॉमेडी स्केचेस ड्रॉप होते थे, इट फेल्ट लाइक एन ओकेशन। यंग टीनेजर्स, स्पेशली फीमेल्स, बिल्कुल पागल हो जाते थे ओवर हर वीडियोस। शी वाज लिटरली द फेस ऑफ इंडियन फीमेल यूट्यूब सीन। बट अभी उनके चैनल को देखे तो ज्यादा व्यूज नहीं आते और ना ही ज्यादा वीडियोस डालती है वो, जिसके लिए अभी उनके सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम बढ़ते हैं। सो व्हाट वेंट रॉन्ग विद प्रजक्ता कोहली एके मोस्टली सेन, आज के इस वीडियो में यही पता लगाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Guys, what's up? Thank you so much for watching Mostly Sane. I'm Prajakta. Welcome back to another Real Talk Tuesday video number. Hi guys, what's up? Thank you so much for watching Mostly Sane. I'm Prajakta. And the YouTube Fan Fest happened without Prajakta Kohli, of course. Oh, you're too kind. Hey everybody, I'm Prajakta Kohli, aka Mostly Sane. Thank you. Happy easily, and it's Lekin I didn't. I was low. The channel wasn't doing well. आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रजक्ता का करियर एक्चुअली यूट्यूब से नहीं बल्कि रेडियो से स्टार्ट हुआ था। शी यूज्ड टू वर्क एट ए रेडियो स्टेशन जहां पर वो कुछ शो होस्ट करती थी एंड शी डिड दैट फॉर 1 ईयर। बट उनको वहां उतना मजा नहीं आया एंड शी वॉन्टेड टू डू समथिंग मोर। सो वन डे ऋतिक रोशन केम टू अ स्टूडियो फॉर प्रमोशंस एंड मोस्टली सेन ने उनके साथ एक शॉर्ट वीडियो बनाया, जिसको देख के सुदीप लहिरी, हु इज करंटली हर मैनेजर नाउ, उन्होंने प्रजक्ता को बोला कि हर वाइब इज अमेजिंग एंड उनको यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए बिकॉज उनके पास वो एनर्जी है जो कि एक यूट्यूबर बनने में चाहिए होता है। दे रिकॉर्डेड अ वीडियो एंड अपलोडेड इट टू यूट्यूब। इट वॉज टाइटल 5 टाइप्स ऑफ सिंगल्स ऑन वैलेंटाइंस डे। और बस यही से शुरुआत हो गई उनकी यूट्यूब जर्नी की। फिर वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केच, फनी वीडियोस एंड क्यों ने वीडियोस अपलोड किया करती थी, विच अट्रैक्टेड फ्यू व्यूअर्स, बट वो लैक्स या मिलियंस में नहीं थे। धीरे धीरे व्यूज तो आ रहे थे बट उनको बूस्ट इंडिया में जियो आने के बाद ही मिला। 2016 का मिड आते आते शी क्रॉस्ड 100K सब्सक्राइबर्स एंड शी ऑल्सो परफॉर्म्ड इन यूट्यूब फैन फेस्ट 2। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आईबॉल्स पड़ तो रही थी उनके ऊपर तब। सो इसके बाद वो कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करती गई एंड अगले 2 साल तक उन्होंने बहुत वीडियोस अपलोड किए एंड अभी यूट्यूब पे उनका नाम बन चुका था। सबसे फेमस प्रोजेक्ट उनका शेमलेस था, जो कि रफ्तार के साथ कोलैब था। ऑल्सो तब कॉमेडी स्केचेस का एरा चल रहा था, तो ये जॉनरा बिल्कुल पीक पर थी। भाई मोस्टली सेन के कॉमेडी स्केचेस को मिलियंस में व्यूज मिलते थे एंड वो एक मेन स्ट्रीम क्रिएटर बन चुकी थी। शी वॉज लिटरली एट हर पीक बिफोर लॉकडाउन। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका डर हर क्रिएटर को रहता है। हर व्यूज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग फ्रॉम 2021 एंड 2023 आते आते वो पहले के मुकाबले बहुत कम हो गए थे। फॉर इन्फॉर्मेशन, मैं यहाँ पर सिर्फ लॉन्ग फॉर्म वीडियोस की बात कर रहा हूँ। So, ऐसा क्या हुआ जो उनको डाउनफॉल फेस करना पड़ा? सबसे पहला रीजन, वो जो कंटेंट बनाती थी वो जॉनरा ही इररिलेवेंट हो गया। यू नो, 2017 से 2020 तक एक कॉमेडी स्केचेस का एरा चल रहा था, लाइक टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ पीपल इन बस, टाइप्स ऑफ ये, टाइप्स ऑफ वो। बेसिकली जैसे अभी के टाइम पे व्लॉग्स का ट्रेंड चल रहा है, तब ऐसा कंटेंट बहुत चलता था। क्रिएटर्स लाइक आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल, अमित भराना ऐसे टाइप के कंटेंट बना के ही फेमस हुए थे। इवन चैनल्स लाइक फिल्टर कॉपी, RVCJ या फिर स्कूप भी इसी तरह के कंटेंट बनाया करते थे। सो मोस्टली सेन भी यही बनाया करती थी एंड शी वाज राइडिंग द वेव बेसिकली। बट यू नो, नेचर का एक नियम ही है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट एंड या इस टाइप का कंटेंट फाइनली सैचुरेट हो गया एंड क्रिएटर्स वर रनिंग आउट ऑफ टॉपिक्स टू मेक वीडियोस ऑन। इसलिए हर साल एक ही चीज रिपीट होने लगा, जिसके लिए ऑडियंस बोर हो गई एंड दे मूव्ड ऑन, बिकॉज लॉकडाउन के बाद काफी सारे नए कॉन्टेंट जॉनरा का जन्म हुआ एंड ऑडियंस के टेस्ट में एक ह्यूज चेंज आया। धीरे धीरे अगर आप नोटिस करोगे तो मोस्टली सेन ने भी ये सब बनाना बंद कर दिया एंड शी moved on to some other things. So, ये एक main कारण है उनके downfall होने के पीछे। But you know, अगर आप YouTube को 2017 से follow करते आ रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि जो भी अभी Instagram में comedy sketches वाले videos चलते हैं, वो सिर्फ YouTubers ने 2019 में ही बना के छोड़ दिया है। अभी reels के through वो वाली audience entertain हो रही है जिनको ये सब देखना पसंद था एंड उनको अब मजा आ रहा है। Mostly Sane भी एक popular Instagram creator है एंड इट सीम्स लाइक शी इज मोर एक्टिव देयर देन यूट्यूब, जिसके लिए वहां पर भी उनके 8 मिलियन फॉलोअर्स है। So, ये भी एक कारण है कि शी मूव्ड ऑन टू इंस्टाग्राम फ्रॉम यूट्यूब, बिकॉज वहां पर कंटेंट बनाना रिलेटिवली इजी है यूट्यूब के मुकाबले, बिकॉज वहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा नहीं होता है एंड इवन कंटेंट को सोच के और लिख के एग्जीक्यूट करने में ज्यादा समय नहीं लगता।
सकता है। अब क्योंकि मोस्टली सेन अभी दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गई है, सो इट्स वेरी पॉसिबल दैट उनको प्रॉपरली यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के लिए समय नहीं मिल रहा है। और यही से याद आया नेक्स्ट डाउनफॉल के रीजन के बारे में, जो कि यह है कि शी जस्ट यूट्यूब एज अ लॉन्च पैड फॉर हर एक्टिंग करियर। बेसिकली यूट्यूब पे उन्होंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था बिकॉज उनको अपना एक्टिंग स्किल दिखाना था, तो वहां से उनको एक्सपोजर मिला जिसके लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एंड कास्टिंग के लोगों का नजर उनके ऊपर पड़ा। इससे हुआ यह कि उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी जिससे उनको और एक्सपोजर मिलने वाला था। लाइक वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ एक मूवी में आ गई, फिर उन्होंने अपना एक वेब सीरीज भी किया जिसमें वो लीड थी, देन अभी वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ पॉडकास्ट भी करती है अपने चैनल पर, लाइक इट्स नथिंग। बेसिकली वो अभी अपने एक्टिंग करियर पे ज्यादा फोकस कर रही है जिसके लिए वो यूट्यूब पे वीडियोस बना नहीं पा रही है। एंड यू नो मोस्टली सेन ना भी एक ब्रांड बन चुकी है। ये बहुत आसान है कहना कि उनके नंबर्स नहीं आ रहे तो भाई उनका डाउनफॉल हो गया है, बट अगर आप थोड़ा जूम आउट करके देखोगे तो आई डोंट थिंक उनके करियर का डाउनफॉल हुआ है, बिकॉज उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं एंड वो यूटिलाइज कर रही है उनको। इसमें कुछ गलत बात नहीं है, बिकॉज अगर पर्सनल लेवल पे देखे तो एवरीवन वांट्स मोर एक्सपोजर एंड मोर मनी, एंड उनको ये बिल्कुल पता है कि जो पैसा यूट्यूब पे स्केचेस बनाने से आ सकता है उससे कई ज्यादा गुना पैसा एक्टिंग करियर पे फोकस करने से आएगा। अब उनका एक्टिंग आपको पसंद है कि नहीं वो टोटली आपके ऊपर है। पर्सनली मैंने उनका वेब सीरीज नहीं देखा है तो कोई जजमेंट पास नहीं कर सकता, बट उनकी मूवी मैंने आधी देखी है जो कि मुझे बोरिंग लगी टू बी ऑनेस्ट, तो मैंने बंद कर दी। लाइक इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हर, इट्स बिकॉज ऑफ द स्टोरी, वो मुझे जम नहीं रही थी। यू नो, और एक चीज मैंने अभी नोटिस करी कि उनका इंस्टाग्राम अभी अगर देखोगे या फिर यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस अगर देखोगे तो यू विल सी कि वो ना अपने आप को एज अ क्रिएटर से ज्यादा एज अ प्रोफेशनल एक्टर या सेलिब्रिटी टाइप से प्रेजेंट कर रही है। लाइक एक क्रिएटर का क्या होता है ना कि वो अपने आप को उतना प्रोफेशनली नहीं, वो थोड़ा एमेच्योर स्टाइल में प्रेजेंट करते हैं बिकॉज उनको वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर चाहिए होता है कि हाँ यार ये तो अपना ही बंदा है, इसके पीछे कोई प्रोफेशनल पीआर टीम नहीं है, कोई मीडिया ट्रेनिंग नहीं है, लाइक जो भी है वो बिल्कुल रियल। इसलिए यू विल सी कि बिग बॉस जैसे टीवी शो में कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी आए, अ यूट्यूबर विल स्टिल विन द शो बिकॉज ऑडियंस कनेक्शन ज्यादा होती है। हाँ ऑफ कोर्स अभी एसआरके या सलमान खान के लेवल पर बात करें तो वो बात अलग है, बट नॉर्मल सेलिब्रिटीज के मुकाबले वो अगर बिग बॉस में आए तो आई एम श्योर यूट्यूबर्स ही जीतेंगे। सो आई गेस मोस्टली सेन को अभी वो वाले कमेंट्स भी मिलते होंगे कि वी वांट ओल्ड मोस्टली सेन बैक। और यही से याद आया कि इट्स वेरी पॉसिबल दैट जैसे हर इंसान समय के साथ साथ बदलता है, मोस्टली सेन वांटेड टू चेंज टू। लाइक पहले वो जो कंटेंट बनाती थी उनको अब वो नहीं बनाना है, उनको अपने लाइफ के साथ कुछ दूसरा चीज करना है, एंड उसके लिए हम उनको बैश नहीं कर सकते बिकॉज शी विल मेक व्हाटएवर शी फील्स लाइक एंड व्हाटएवर शी लव्स टू डू। हम उनको फोर्स नहीं कर सकते बिकॉज वो उनका अपना चॉइस है। बट हाँ पर्सनली मेरे से मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगा कि वो यूट्यूब पे अब वीडियोस अपलोड नहीं करती है। आई गेस अगर यूट्यूब पे स्केचेस नहीं बनाना चाहती है तो ठीक है, बट दूसरा कुछ तो ट्राई कर ही सकती है बिकॉज आफ्टर ऑल यूट्यूब मेड यू व्हाटएवर यू आर टुडे एंड यू कांट जस्ट अबैंडन देम। नाउ यू नो अबैंडन इज अ वेरी हैवी वर्ड टू यूज इन दिस केस, बट आई होप मोस्टली सेन ये समझे कि बहुत सारी ऑडियंस ऐसी भी है जो उनके वीडियोस के लिए वेट करती है। अपने शोज या बुक पर काम करना तो ठीक है, बट अगर वो वीडियोस ही नहीं बनाएंगी जिसके लिए वो फेमस हुई थी तो ऑडियंस को बुरा लग सकता है। बाकी आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हेटिंग ऑन मोस्टली सेन एंड सेलिब्रेटिंग हर डाउनफॉल कि हाँ भाई अनफनी क्रिएटर का डाउनफॉल हो गया है, अच्छा ही हुआ है। ना, डोंट डू दिस। आपके लिए जो कंटेंट क्रिंज है वो दूसरे किसी के लिए नहीं है। कॉमेडी बहुत सब्जेक्टिव चीज है एंड अगर कोई कंटेंट बना के किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करके एंटरटेन कर रहा है तो करने दो। अगर कोई मोस्टली सेन के कंटेंट को देख के इंस्पायर हो रहा है तो होने दो। अगर कोई मोस्टली सेन को अपना इंस्पिरेशन मानता है तो मानने दो। इसमें कुछ गलत बात नहीं है। अपने आपको सुपीरियर एंड डैंक दिखाने के लिए सारे मेन स्ट्रीम क्रिएटर्स को क्रिंज बोलना बंद करो। आप उनकी ऑडियंस नहीं हो एंड पर्सनली मैं भी मोस्टली सेन के टारगेट ऑडियंस में नहीं आता जिसके लिए मैं भी रिलेट नहीं कर पाता हूं, तो मैं देखता भी नहीं हूं, बट आई डोंट हेट हर। उनको क्रिटिसाइज करो कि कंटेंट में क्या कमी हो रही है, बट हेट मत करो, स्पेशली ब्लाइंड हेट मत दो। एनीवेज यहां तक वीडियो देख लिया तो कमेंट कर देना मोस्टली सेन डाउनफॉल, और अगर आपको नहीं पता कि यूट्यूबर्स के हेटर्स क्यों होते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करके अभी देख लो।